अतीक हत्याकांड के 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन कल एक बार फिर प्रयागराज के कैल्विन अस्पताल के पास वही सीन नजर आया जो कि 15 अप्रैल की रात को पूरे देश ने देखा था। कैल्विन हॉस्पिटल के पास एसआईटी ने हत्या की वारदात का सीन रिक्रिएट किया। दो युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडिया कर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ बने युवक जमीन पर गिर गए और जमीन पर तड़पने लगते हैं। सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिलेगी। एसआईटी की टीम के साथ जुडिशियल कमीशन के सदस्य भी थे। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के कैल्विन हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ की 15 अप्रैल की रात को फिल्मी अंदाज में जिस तरीके से हत्या की गई थी, उसके क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। ठीक वही घटनाक्रम दोहराया जा रहा है जिस तरीके का घटनाक्रम 15 अप्रैल को देखने को मिला था। देखिए, दो लोग ऐसे हैं जिन्हें अतीक और अशरफ बनाया गया है। हालांकि ये पुलिस के लोग हैं, डमी लोग हैं, और पूरी प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से 15 अप्रैल की रात को हुआ था। अतीक की कनपट्टी पर गोली मारने वाले शूटर कितनी दूर था? वारदात के वक्त पुलिसकर्मी किस पोजीशन में थी? किन परिस्थितियों में शूटर्स ने सरेंडर किया? तीनों शूटर्स के बीच कितनी दूरी थी? किसके पास कौन सा हथियार था? अतीक अशरफ की सुरक्षा में तैनात 19 पुलिस वाले कहाँ थे? इससे पहले भी 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के सदस्यों ने प्रयागराज में कैल्विन हॉस्पिटल का दौरा किया। आयोग के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर वारदात के हर एंगल को समझा। तो माफिया, अतीक की आतंक कथा अब उसकी हत्या के साथ ही खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने उसका आतंक देखा है उनके जहन में खौफ अभी जिंदा है। 15 अप्रैल की रात तकरीबन 10:30 बजे माफिया अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को मौत की नींद सुला दिया गया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर्स ने खुद को सरेंडर भी कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने अतीक के आतंक को देखा उन्हें अब तक भी अतीक के गुर्गों का डर सता रहा है। अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराने वाले लोग खौफ ज्यादा हैं। उन्हें डर है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम उनसे बदला ले सकते हैं। कि आज नहीं तो कल मैं उनके ऊपर क्या नाम है उनको गवाही दूंगा, तो उनको आजीवन तक की सजा पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर बना हुआ है। 20 गुरुओं के पीछे इसका मतलब उनके 20 गुरुओं का परिवार भी है, कहीं ना कहीं वो नजर बना हुए मेरे ऊपर। दरअसल 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बुधवार को गंगा के तराई इलाके में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। शाइस्ता के साथ साथ पुलिस को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी शिद्दत से तलाश है। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।